मैं सब तो पहले धन्यवाद करता मीडिया सारे का कि तुम इतने जी अज की जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी सी वास्ते सारे एकत्र होए जी इतने। मैं रिगो ब्रिज से इस समय खड़े आप जिदा बहुत वड्डा मसला पिछले करीब चार पाँच महीने तो पाँच छः महीने तो चल रहा है क्योंकि ये अनसेफ डिकलेयर कर दिता गया ये करके ये तो कोई ट्रैफिक नहीं जा सकती घातक हो सकता है। ये वास्ते जो ये मसला मेरे ध्यान च आया मैं उस वेले ये मसला जोड़ा आ रेलवे के नाल उचाया उठाया क्योंकि ये रेलवे का ब्रिज है वो जो रेलवे के ध्यान च गया पहला उन्होंने कहा कि ये असी प्रशासन के नाल सलाह करते हैं। मैं पहली मीटिंग 16 नवंबर को GM नॉर्दर्न रेलवे का चंडीगढ़ आता है जिदे मैं ये मसला बड़ी मतलब जोर दे नाल उठाया और वीडियो भी बकायदा मौजूद आ और मिनट के भी उस मीटिंग के मिनट के जिहड़ियां डिमांड ने अमृतसर दियां उहदे विच भी ये दिता गया वीडियो भी तुहानूं मिल जाएगी वो भी वीडियो भी तुहाडी सोशल मीडिया से मैं पावांगा। 16 नवंबर तो बाद फिर मैं लगातार GM के कॉन्टैक्ट DRM के कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। DRM उस समय साढ़े नाल गल नहीं सी कर रही मैडम सीमा सो मैं रेलवे मिनिस्टर फिर साडा पार्लीमेंट शुरू होता 23 दसंबर को मैं और स्वर्गीय संतोख चौधरी जी दोवें इकट्ठे जाने वो एक मुद्दा साडा सांझा सी बंदे भारत ट्रेन चलाउंदा कि बंदे भारत ट्रेन अमृतसर नूं चलाई जाए। दूजा मुद्दा आपो अपना सी मेरा मुद्दा सी रिगो ब्रिज का जो मैं अश्विनी जी नूं दस्या साडे मानयोग रेलवे मिनिस्टर नूं कि पुल 129 साल पुराना आ पहली गल तो उस समय उन्होंने शौक हो गए कि अच्छा 129 साल पुराना मैं क्या जी मैं क्या जी 50 साल की मनियाद सी पर यह दोबारा नवा नहीं बनया एक बार सिर्फ यदि रिपेयर लगी आ हुण इस वेले ये पुल तुसीं सानू बना के दो मैनूं आंदे जी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने वैरी 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 इंपोर्टेंट उन्होंने को मेरी चिट्ठी होएगी रिकॉर्ड च उन्होंने चिट्ठी से वैरी वैरी इंपोर्टेंट देख के अपने PA नूं दिता कि इमीजिएटली इत्थे एक्शन लैके मैनूं दस्या जाए। फिर मैं इहदे वास्ते 13 जनवरी 2023 उस तो पहले 23 नवंबर को असी स्टेट की मिज करते हैं 23 दसंबर को जो रेल मिनिस्टर मिलते उस तो पहले 23 नवंबर को रोड सेफ्टी की मीटिंग दे विच ये मुद्दा चुकया जाता जिस DC साहब होंगे ने और DC साहब और असी सारे उस मीटिंग दे विच इहदे बारे गलबात करते हैं। 23 दसंबर को आ वैष्णव जी दीआं फोटोआं ने उन्हां दे नाल तुसीं वेख लो उन्हां नूं मिलदे हैं ठीक है जी। DC साहब ने जो मीटिंग की वो सारी मीडिया के अंदर हैगी उहदीआं फोटोआं तुहानूं दे दिंदे आ पर उस तो बाद 13 जनवरी नूं मेरी चैटिंग हुंदी है चैट करता मैं GM नॉर्थ नाल के DRM कोई जवाब नहीं दे रही तुसीं उहनूं कहो कि मेरे नाल कि ये पब्लिक इशू आ लोगों की बहुत मुश्किल है GM साहब तुसीं इहदे विच पाओ DRM साहब कोई जवाब नहीं दे रहे। उस वेले GM विच पै के 16 तरीक नूं 16 जनवरी नूं DRM मेरे नाल कॉन्टैक्ट करती है डिटेल च दसदे ने उस मैडम सीमा ने वो कहिंदे असीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लिखा आ कि यह पुल जोड़ा आ ये स्टेट ने बनाया मैं क्या जी ये कि मैं पुल तुहाडा कहिंदे साडी पॉलिसी है जोड़ा पहला पुल जिहड़ी एजेंसी बनाऊगी जां स्टेट बनावे जां दूसरा बनावे उस एजेंसी दोबारा बनाएगी। सो यह पुल जो 1905 तैयार होया उदों स्टेट ने पैसे दिते सी रेलवे ने मंजूरी दिती सी सो इस करके पॉलिसी तो बाहर आ मैं क्या ये बड़ा खतरनाक काम हो गया। मैं उन्होंने इमीजिएटली कहा कि तुसीं अमृतसर मीटिंग करो अमृतसर 24 तरीक नूं मैडम सीमा हाँ 24 जनवरी नूं और वेखो तुसी नाल साडे कौन बैठे ने इंदरबीर निज्जर जी वो साडे नाल बैठे ने वो कहिंदे ने आमो सामने दोवां दी गलबात कराई गई उन्हां वो कहिंदे साडे कोल पैसे है नहीं तुसी कहिंदे साडे कोल है नहीं दोवां नूं रेलवे नूं और लोकल बाडी मिनिस्टर नूं आमो सामने बिठा के उन्हां नूं पुछया गया उत्थे इही गल उन्हां कहा जी ये तुसी बना के देना आ स्टेट ने उन्हां कहा ठीक है तुसी सानू दिओ असी बनावांगे। उस वेले उस समय तक मेरा जिहड़ा इत्थे शहर दीआं जिन्नीआं NGO सी जिन्ने पोलीटिकल बंदे खासकर साडी पार्टी दा दत्ती साहब इन्हां दी कॉन्स्टिट्यूएंसी पैंदी है सोनी साहब उन्हां दी पैंदी है बार बार मेरे नाल टच सी कि किसे तरह जल्दी इहनूं हल करो पर वह मसला जिहड़ा हुंदा आ वह असीं फिर उहदे उस मीटिंग दे विच लोकल बॉडी मिनिस्टर असीं सारे इहनूं विजिट करदे आ नाल असीं इह सलाह करदे कि टैंपरेरी बेस ते किद्दां खोलिया जा सके असीं हेठां वी जा के वेने जिहदीआं फोटोआं तुहाडे सामने ने असी वो विजिट भी किया सारा आ देख सकते जो मैं और निज्जर साहब असी विजिट करते हैं सारा पुल फिर असी वो कहिंदे जी असी बनावांगे पर 31 जनवरी नूं ये चिट्ठी इशू हुंदी है एक जिहदे च लिखा जांदा आ ये आ चिट्ठी है DC वल्लों 31 जनवरी 2023 नूं
मैं तुहानूं कंकलूड दस दिना, ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ म्यूनसिपल कारपोरेशन टू टेक अप दिस प्रोजेक्ट इन व्यू ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू यूज यूअर गुड ऑफिस टू टेक अप दिस प्रोजेक्ट अंडर सम सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम सो दैट द ट्रैफिक सिचुएशन इन अमृतसर सिटी कैन बी ईज्ड आउट। ऑनरेबल मैंबर ऑफ पार्लीमेंट अमृतसर, ये चिट्ठी का नंबर 31/1/2023। हवा करके थोड़ी जी मुश्किल आ रही है, ये तुहानूं सारा कुछ अवेलेबल है। सो मैं जो मैं पार्लीमेंट सा, मैं उस वेले 1 तरीक नूं जाके अपने स्पीकर साहब ओम बिरला जी नूं मिल के मैं कहा जी, एक बार गडकरी साहब ने कहा सी मैं सीआरएफ फंड दे नाल तुहानूं कोई लोड़ है माड़े मोटे जिहड़े जरूरी ब्रिज ने मैं बना के दे सकदा जे रेलवे को फंड की कमी है। मैं उस वेले जाके उन्होंने नाल स्पीकर साहब नूं कहा कि गडकरी साहब नाल मीटिंग मेरी फिक्स कराओ, गडकरी साहब की मीटिंग दे विच मैनू ये पैसे लैके दो, सरकार ने हथ खड़े करते, लोकल बॉडी सरकार को पैसे है नहीं। इन बिटवीन मेरी रेलवे मिनिस्टर साहब नाल मीटिंग हो जाती है, असी उत्थे पार्लीमेंट के अंदर ही मिल लैने हाउस ही। मैं कहा जी मैं पैसे उधरों लैने ने, कृपा करके तुसी फॉलो अप तेज़ करा दिओ। आंदे कादे वास्ते? मैं कहा जी पुल बनाउणा स्टेट ने, स्टेट को पैसे है नहीं गए, हुण तुसी पैसे दिओ, ये लोगों का मसला आपां बना के देना। मैनू आंदे ऑफिस आ जाओ, मैं ऑफिस आने, आंदे कोई लोड़ नहीं। 7 तरीक नूं मेरे नाल मीटिंग करता, मैं उन्होंने ऑफिस के बैठ के 7 फरवरी नूं मीटिंग करके वैष्णव जी के नाल ये सारिया जिहड़ियां फोटो ने मेरे सोशल मीडिया से पईआं ने, फेसबुक पर भी है नाल वीडियोज़ भी ने, मेरी मीटिंग हुंदी है 7 फरवरी नूं। मैं उन्होंने जो रिक्वेस्ट करता हूँ कहिंदे भी ये मेरी जिम्मेवारी आ। मैं कहा जी जिम्मेवारी तो है पर लम्मा काम हुंदा, तुसीं चिट्ठी पत्र वाले चक्कर 'च पै जाणा। आंदे गुरजीत आई प्रोमिस कि उही चिट्ठी पत्र का काम नहीं होगा, मैनूं पूरी मतलब एमरजेंसी के उत्ते अपने उन्होंने विकास जैन जी जिहड़े उन्होंने थले उस समय PA सी उन्होंने कहा गया कि यह तुहाडी ड्यूटी लाई जाती है, तुसीं गुरजीत दे नाल कॉन्टैक्ट 'च रहना आ, इहनूं दिनां दे विच मैनूं चाहिए। मैं उन्हों का शुक्रिया अदा करता। मेरे तो बाद मेरी विकास जैन के नाल फोन के उत्ते गलबात होंदी है, मेरे को रिकॉर्ड है कॉल दे नाल कि विकास जी कित्थे गया। उन्हें कहना जी बिल्कुल ये साडे अर्जेंट मैटर दे विच है, साडे रडार ते है, तुहानूं इमीजिएटली दसांगे। फिर 3 तरीक दे विच ये जिहड़ा वा इहदी सैंक्शन मिल जाती है 48 करोड़ 99 लाख 16 हज़ार रुपया इस पुल लई सैंक्शन हुंदा आ। और मैं शुक्रिया अदा करदा कि जिहड़ी मेहनत करिए उहनूं परमात्मा फल पाउंदा आ। मैं अमृतसर शहर वासियों नूं दसना चाहुंदा ये पुल मेरे लीडर साहिबान खड़े ने, ओम प्रकाश सोनी जी विकास होनी खड़े ने, इन्हां दी बहुत वड्डी मंग सी बार बार, क्योंकि वेखो सेंटर कोल ते मैं ही जा सकदा, मैं उहदा मैंबर हाँ, मैंबर पार्लीमेंट है, मेरा फर्ज भी बनता, मैनूं लोगों ने सेवा दित्ती है और मैं लोगों की नुमायंदगी करदा, मेरा फर्ज बनता। लोग मुद्दे जिहड़े आ पार्लीमेंट के अंदर के बाहर जिहड़े सेंटर ना खास करके स्टेट नाल भी उठाए जाण। सोनी साहब ये विकास होनी बार बार कहिंदे रहे, ये चिंता जताउंदे रहे दत्ती साहब कि यार बहुत मुश्किल है शहर के, क्योंकि दोवें कॉन्स्टिट्यूएंसियां नाल लगदियां ने, होर भी साडे लीडर साहिबान बार बार और साडी ओपोजिशन के भी मैनूं कॉन्टैक्ट करते रहे, मैं इस कोई दो राय नहीं। और मैं लगातार तुहानूं टाइमलाइन दित्ती है कि मैं एक दिन भी चैन नाल नहीं बैठा ये पुल जिन्ना चिर तक अपरूव नहीं होया। सो हुण ये पुल अपरूव हो गया, मैं दसन लगा नाल मैं उन्होंने ये भी किया आ, उन्होंने जो अपरूवल तो बाद मैं उन्होंने कहा मेरी DRM नाल गल हुई, मैं कहा जी गल सुन लो हुण तुसीं फिर चिट्ठी पत्र वाले चक्कर 'च ना पियो, आपां इहनूं फास्ट करना फास्ट ट्रैक ते। मैं कहंदे जी ऑब्जेक्शन, मैं कहा तुसीं NOC जोड़े चाहिए आ, तुसीं सानूं ड्राइंग भेजो, इस वीक 'च ड्राइंग आनियां ने, मैं सेम डे NOC करा के जे ऑब्जेक्शन होणगे वह भी इत्थे बिठा के दोवें ही रेलवे भी और लोकल बॉडी भी इहनूं असीं बहुत शॉर्ट समय के विच बनाउण दी कोशिश करांगे। देखो जी तरुण चुग हुण अपनी गल करनी, उहनां दी पार्टी दी सरकार है, वह इहदा भी दावा कर सकदे आ, वह सारे पंजाब का दावा करते आ, ये गल आ। वेखो ये काम सी मेरा ते मैं कीता, चलो उन्होंने जो पता लग गया जो उन्हें भी कुछ किया उन्हों का शुक्रिया, पर मैं कहना चाहना तरन चुग जी दसते हैं कि मैं 22 फरवरी मिल के आया तो 3 तरीक न पास हो गया, तो भराओ अंदाजा तुम ला लो एक मिनट लड़ाई नो 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 क्रेडिट वार जी काम करूंगा तो मैं दसूंगा नहीं भाई, दसना बनता नहीं गा मैनू, मैनू हम कि पछाणोगे, कल कहो कि भाई तू किया ही नहीं। मैं विद प्रूफ विद रिकॉर्ड विद वीडियो अज की नहीं, जो जो जिथे जिथे काम करता रहा जिथे जिथे मुद्दा उठा रहा। तरुण चुग जी बहुत वधिया, देखो मैं 5 साल सरकार रही कांग्रेस की, रिको ब्रिज पूरी लाइफ लाइन है, दो शहर ओल्ड सिटी से न्यू सिटी में जोड़ता है, उदों तुहाडी सरकार क्यों नहीं जागी, तुहानूं ही मैंबर पार्लीमेंट बने, तुसीं दूजी वारी मैंबर पार्लीमेंट बने हो,
ਪੁੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਚੀਚੂ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਨਸੇਫ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦਾ ਆਈਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਸੇਫ ਹੈ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲੇ ਦੇ ਤਦ ਹੀ ਜਾਗਣਾ ਨਾ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਦਿਓਗੇ ਭਾਈ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਆ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਆ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਔਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਾ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ G20 ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਪਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਜਾਗਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੋਣਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ 9-10 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ G20 ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਮੈਂਬਰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਖੜਦਾ ਆ ਗਾਂ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜੂਗਾ ਸਰ ਹੁਣ ਈਗੋ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਰਾਇੰਗ ਅਸੀਂ 2-4-10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਲਾਏਗੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਦ ਇਨ ਵੀਕ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਦ ਇਨ ਵੀਕਸ ਇਹਨੂੰ DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।